पिछले पिछले 17 महीने से मैं अपनी जिंदगी में जो चीज मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था, स्कूल में जाना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल ले आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिश जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों के, जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का, शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बन के भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने, शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून की बात होती थी। और अब मैं आके आतिशी जी से डिस्कस किया तो मुझे और अच्छा लगा ये जान के कि इस दौरान 20 नए स्कूल और स्कूल बिल्डिंग्स शुरू हो गए, 18 नए SOSC शुरू हो गए। एक नया स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में, एक इंडिया में यूनिक तरीके का स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया, वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बना था, उनके सपने के अनुसार कि हमारे बच्चे देशभक्त बच्चे निकलें और वो आर्मी में जाएं, आर्म फोर्सेस में जाके सेवा करें, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के पहले बैच में, जिसमें 64 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से 32 NDA में क्वालिफाई हुए पहले टेस्ट में, और उसमें से 8 फाइनली जाके NDO क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं अब। तो 64 बच्चों के पहले बैच में से 8 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल से सीधे जाके NDA क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। आई थिंक इतना तो देश के किसी स्कूल से अब तक नहीं होगा, किसी एक स्कूल से। तो ये सारा काम एजुकेशन में हुआ और मैं वहाँ यही प्रार्थना करता था कि मुझे भले ही इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, इनकी मंशा भले ही इस एजुकेशन क्रांति को रोकने की हो, लेकिन ये रुके ना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि बाकी सब चीज़ें चाहे रुकें, आगे बढ़ें, कैसे हों, उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन भगवान ये एजुकेशन की जो रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, शिक्षा की क्रांति, ये ना रुके। और ये रुकी नहीं, ये यहाँ के भी मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली बहुत एनर्जाइजिंग है सारी चीज़ें। लेकिन बीच बीच में मैं अखबारों में देखता रहता था, खबरों में पढ़ता रहता था कि शिक्षा क्रांति रुकी नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है दिल्ली की। सर, आप रिहाई से ज़्यादा भावुक मुझे बच्चों के साथ देखे अंदर, क्या? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और मैं 8-9 साल जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, तो मेरा धर्म, मेरा कर्म बच्चों से मिलना, बच्चों को समझना, बच्चों के साथ जीना और इन बच्चों को ही देश के लिए तैयार करना, यही था। आज वापस मैं उसमें आया तो मुझे लगा 17 महीने से सबसे ज़्यादा चीज़ कोई अगर मैंने मिस की तो वो ये थी, आज वो भी पूरी हो गई। एक चीज़ समझने के लिए, डिप्टी सीएम जब आप थे तो भी कि अभी ये झंडा फहराने को लेकर भी कंट्रोवर्सी चल रही है और विवाद इस तरीके का कि आतिशी GAD चाहता है, आतिशी झंडा फहरा है, सीएम ने जो चिट्ठी लिखी थी, जेल प्रशासन कह रहा है कि चिट्ठी नहीं लिख सकते किसी भी तरीके की आधिकारिक अंदर जेल से, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा LG साहब को सबमिट करता है और LG साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है, और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और LG साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी, और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा LG ऑफिस इंतज़ार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है।
तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम बढ़ता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए सत्य मानते हुए उस पर जिसे कहते हैं ना सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई कहाँ हैं। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फ़ोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है ना इनको देश से कोई लेना देना है, इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनके ठीक है अपने अपने पसंद है लोगों की। सर संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो? चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं इन सब से लोकतंत्र की संविधान की इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं। थैंक यू सर।